प्रदेश के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया के खिलाफ आवाज उठाने की कोई हिम्मत नहीं करता, लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसने राजा भैया का मान मर्दन कर दिया, वो भी भरी सभा में। जी हाँ, राजा भैया ने मान मर्दन करने वाले को सजा दिलाने के लिए अदालत की शरण ली है। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में कौशाम्बी लोकसभा सीट से प्रत्याशी और सपा महासचिव इंद्रजीत सरोज ने राजा भैया को टारगेट पर रखा था। राजा भैया की माने तो इंद्रजीत सरोज ने असत्य, अमर्यादित एवं धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बयानबाजी की। सपा महासचिव ने राजा भैया के खिलाफ जमकर जहर उगला, कभी मुसलमानों का हत्यारा, कभी कुंडा सीओ का हत्यारा, कभी राजा भैया के समर्थन करने पर लानत दी। मूरतगंज की एक जनसभा में खुले मंच से इंद्रजीत सरोज ने दिलेरगंज कांड का जिक्र करते हुए कहा था कि राजा भैया ने मुस्लिम बेटियों के साथ अत्याचार कराया। अब राजा भैया इंद्रजीत सरोज से हिसाब बराबर करने की तैयारी में है। हिसाब बराबर करने के लिए जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने दीवानी न्यायालय कुंडा की न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव मुकुल पांडे की अदालत में मानहानि की अपील कर दी है। अब देखना ये है कि राजा भैया की ये जंग क्या मुकाम हासिल करती है। एनडीटीवी के लिए प्रतापगढ़ से विकास गुप्ता की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।